सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सोसिस का जो आपका SSPD 1870 स्पीकर है, जो कि डुअल मैग्नेट 5 इंच वॉइस कॉइल 2500 वाट RMS पावर में ये स्पीकर है। इसका हमने पिछले वाले वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था, साथ ही साथ इसका प्राइस भी मैंने आपको उस वाले वीडियो में बताया था। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वाले स्पीकर का टेस्टिंग, मतलब इस स्पीकर का टेस्टिंग हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि हम सिंगल के कैबिनेट में यूज़ करने वाले हैं। और ये कुछ अलग टाइप से डिफरेंट टाइप का ये कैबिनेट है, अंदर का डिज़ाइन थोड़ा अलग है। और अगर बात करते हैं कैबिनेट, तो कैबिनेट काफ़ी हेवी ड्यूटी है, मतलब ये 24 mm का कैबिनेट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वाले कैबिनेट में हम इसे चेक करने वाले हैं, इसका रिस्पॉन्स कैसा है वो मैं आपको साउंड चेक होने के बाद बताता हूँ। फिलहाल हमने दो स्पीकर के साथ कंपैरिजन किया था, लेकिन स्पीकर का ब्रांड या फिर वाटेज मैं आपको नहीं बताऊँगा कि कौन सा स्पीकर था। फिलहाल मैं ये भी ज़रूर बता सकता हूँ कि ज़्यादा बज रहा था या नहीं, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो जो भी बताऊँगा वो रियल बताऊँगा, ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये अपना खुद का स्पीकर है और खुद अपने DJ में हम लोग यूज़ करते हैं। फिलहाल इसको फिटिंग करते हैं फटाफट से, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड साउंड टेस्टिंग आपको दिखाते हैं, और साउंड टेस्टिंग के बाद हम आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं इस स्पीकर का कैसा रिस्पॉन्स है और इस वाले कैबिनेट में कैसा बज रहा है, और आपको ये वाला स्पीकर लेना चाहिए या नहीं, तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर इसको फटाफट से फिटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर VV12000 एम्पलीफायर में हमने पर चैनल एक एक स्पीकर डाल करके साउंड चेक कर रहे थे, जिसमें कि अलग अलग ब्रांड का स्पीकर है। स्पीकर का ब्रांड मैं नहीं बताऊंगा, वाटेज भी नहीं बताऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हो ये है स्पीकर, दोनों कंपैरिजन वीडियो नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको साउंड टेस्टिंग नहीं सुना रहा हूँ। तो मैं ये बताऊँगा कि 2500 वाट का जो स्पीकर था वो थोड़ा अच्छा बज रहा था, इसका लॉन्ग थ्रो काफ़ी अच्छा आ रहा था और थोड़ा पंच ज़्यादा अच्छा रहा था। मतलब कि जो स्पीकर हम इसमें डाले थे, जो आपको राइट साइड में देखने को मिल रहा है, उससे अच्छा बज रहा था ये सोसिस का 2500 वाट का स्पीकर, 5 इंच डुअल मैग्नेट में था स्पीकर। तो अब चलिए इसका मेन साउंड चेक आपको सुनाते हैं 2 बेस के साथ 4 ओम्स लोड में VV12000 एम्पलीफायर में। सो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने लगाया है VV12000 एम्पलीफायर, जो कि आप देख ही सकते हो, और इसमें हमने 4 ओम्स के ऊपर 2 स्पीकर डाला है, मतलब एक चैनल में 2 स्पीकर डाला है, और HF को उसी में कनेक्शन कर दिया है, जिसमें कि HF को हाई फ्रिक्वेंसी में हमने यूज़ किया है। और फिलहाल एक चैनल में 2 बेस है 4 ओम्स के ऊपर। Thank you.
दूर से ज्यादा ना नहीं। काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा था। फिलहाल अगर हम बात करते हैं इसके साउंड चेक और स्पीकर के बारे में कि स्पीकर लेना चाहिए या नहीं, तो स्पीकर आप ले सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी अच्छा स्पीकर है और इस वाले फ्रंट बेस में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। तो चले फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल के लिए सब्सक्राइब, और आपको साउंड टेस्टिंग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।